Now we have the another video of this series of the limits. Limits के सिलसिले की एक और वीडियो है जनाब. जैसा कि आपको बताया था कि limits के different types हैं और different types के हवाले से हम different videos इसकी बनाएंगे ताकि आपको देखने में और समझने में मामला अगर आपके लिए आसान रहे. एक वीडियो के अंदर बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप की अलहदा वीडियो बना लें. शॉर्ट होगी वीडियो, देखने में भी आपको आसानी रहेगी. 1.7 एक्सरसाइज में हमारे पास सवालात हैं जनाब अली, और आज जो हम हिस्सा करेंगे ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ई की पावर एक्स हमारे पास होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है. और जो एक्सपोनेंट होता है वो बेसिकली बेस होता है नेचुरल लॉ का. सवाल जनाब करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ई की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है. ई की पावर एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और इसके लिए हम एक पर्टिकुलर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम एक अदर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो फार्मूला हमारे पास होगा कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वन. वैसे वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर 0.0 आ जाएगा. e की पावर 0 0 हो जाए, 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 होगा, नीचे x 0 है. मगर इट इज प्रूव्ड मैथमेटिकली, ये प्रूव्ड है और फार्मूला बना दिया गया है कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन x ये बराबर होता है किसके मेरे बेटा, 1 के बराबर होता है. इसी फार्मूले को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू a e की पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ जो बात समझने की है, तवज्जा से समझिएगा इस बात को. वो बात ये है तवज्जा से समझने के लिए मेरे बेटा, कि जो कोफिशियंट यहाँ पर x के साथ मौजूद है वही कोफिशियंट नीचे डिनोमिनेटर में x के साथ होना चाहिए. जो कोफिशियंट x के साथ मौजूद है न्यूमरेटर में e की पावर में, वही आपके पास कोफिशियंट नीचे होना चाहिए किसके साथ, a की पावर x, a इंटू x होना चाहिए. जब सिर्फ x होगा तो नीचे भी x होगा. देखो गौर से बेटा, अगर ऊपर x है मेरे बेटा, यहाँ पर फार्मूले की लॉजिक समझ लेना. अगर यहाँ x है तो नीचे x है, अगर ऊपर मेरे बेटा ए एक्स होगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ए एक्स होना चाहिए. और इस बात का ख्याल रखिएगा. फर्दर यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कहीं पर शॉर्ट होती है, कम होती है, कोई नंबर हमें चाहिए और वो नंबर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द मेथड बाय विच वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड वैल्यू. कोई भी नंबर कहीं चाहिए आपको, मौजूद नहीं है, पहले ही बताया आपको, तो कोई नंबर अगर आपको दरकार हो, चाहिए, ज़रूरत है कहीं और वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो वी विल यूज द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन फैसिलिटी ऑफ द मैथमेटिक्स. और जहाँ पर जो चीज़ मौजूद है वहाँ पर उसको ले आएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करा कर, ये ख्याल रखिएगा. इसी तरीके से कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करा कर भी लाया जा सकता है. कोई नंबर हमें प्लस पे चाहिए, नहीं है वहाँ पर, तो हम उसको ऐड करा देंगे, उसी नंबर को क्या करेंगे मेरे बेटा, सब्ट्रैक्ट करा देंगे. ये दो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, टूल्स हैं, जिनके ज़रिए हम अपने मतलूबा चीज़ों को हासिल कर सकते हैं और गिवन सवाल को फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बेटा, अगर ई की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x है, ई की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x है, ऊपर ई की पावर कितनी 3x है, और मुझे नीचे भी चाहिए क्या. अगर ऊपर जो फार्मूला बताया गया है कि ई की पावर ए एक्स है तो नीचे भी ई की पावर ए एक्स होना चाहिए. अगर 3x है और नीचे 3 नहीं है तो व्हाट वी विल डू, कि वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3. ये देखो बेटा, ये 3 लिखा ना रेड से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नीचे 3 आ जाएगा. जहाँ जो नंबर कम पड़ रहा है उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड में चाहिए सबट्रैक्ट में चाहिए तो उसको ऐड एंड सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ये इस चीज़ पे आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए. नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चंस. अब हम मेरे बेटा सवालात के ऊपर आते हैं, क्वेश्चंस करने की जनाब हम कोशिश करते हैं. बेसिकली हमारे पास जो सवालात होंगे, ये सवालात आपके पास बेस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.7 में. इसका कोई सवाल 1.6 में नहीं है, इसके सारे के सारे सवालात 1.7 के अंदर है. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ई की पावर एम एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारे पास सवाल गिवन है. तवज्जा देख लो गौर से, ई की पावर एम एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स अपॉन एक्स हमारे पास सवाल मौजूद है. अब क्या देखते हैं, पहली बात की जो फार्मूला आपको पीछे बताया गया है, फार्मूले में माइनस वन होना चाहिए.
फार्मूला जो पीछे हमने आपको बताया है, देख लो मेरे बेटा गौर से एक नज़र, फिर उस वक्त आपने शायद उतनी तवज्जो ना दी हो। फार्मूला जो आपको बताया गया है, उस फार्मूले में हमारे पास क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। फार्मूले में हमारे पास क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। और मेरे बेटा अगर फार्मूले के अंदर -1 नहीं है तो वी कैन ब्रिंग इट, हम ला सकते हैं। कैसे मेरे बेटा? एड सब्ट्रैक्ट करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फार्मूला हमसे कहता है कि e की पावर ax -1/ax अगर है तो किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे -1 चाहिए, हमारे पास तो 1 है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे, जबकि फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax -1/ax इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 तो था नहीं और हमें फार्मूले 1 चाहिए, लिहाजा हमने क्या किया मेरे बेटा, यहाँ पर हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1 को। इसको मेरे बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1 को। 1 को हमने एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, क्यों किया भाई? इसलिए किया है कि फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास 1 होना चाहिए। और अगर मेरे बेटा आप यहाँ से देखें, तवज्जो देके देख ले मेरे बेटा, तो ये आप और से देखो, इस 1 को मैंने क्या किया है, एक 1 था, इस 1 को मेरे बेटा हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस में, और ये 1 को मैंने क्या किया, ऐड किया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस भी कर रहे हो माइनस भी कर रहे हो तो ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो दूसरा वाला हिस्सा है, nx वाला हिस्सा है, इसमें से अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लें और एलसीएम को ब्रेक भी कर दें, देखिए गौर से देखिएगा हमने क्या किया है मेरे बेटा। यहाँ पर ये जो पोर्शन मेरे पास मौजूद था, कौन सा पोर्शन, ये जो पोर्शन मेरे पास यहाँ पर मौजूद था, इस पोर्शन में से मैंने क्या किया है, माइनस साइन को कॉमन निकाला है, माइनस साइन बाहर आ गई, और जब माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर की साइन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, अंदर की साइन रिवर्स हो जाती है, प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो वो वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, प्लस हो जाती है। लिहाजा प्लस का 1 था, दैट विल चेंज टू -1, वो माइनस में चेंज हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि एलसीएम को हमने ब्रेक कर दिया, क्या किया मेरे बेटा, हमने एलसीएम को ब्रेक भी कर दिया है, दो अपने न्यूमरेटर को दो हिस्सों में अलहदा कर दिया है, ये वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया है और जो दूसरा वाला पोर्शन था वो मैंने अलग कर दिया, ये पोर्शन मेरा यहाँ आ गया, इसके नीचे भी एक्स होगा और जो दूसरा वाला पोर्शन है इसके नीचे भी एक्स होगा। मामला थोड़ा करीब होते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें -1 चाहिए होता है, -1 हमारे पास आ गया है, मगर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अगर ऊपर ए एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर मेरे बेटा एम एक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, अब तो खाली एक्स है, यहाँ पर तो आपके पास सिर्फ एक्स मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर ऊपर मेरे बेटा एम एक्स है, ई की पावर में अगर एम एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी एम एक्स होना चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी इशू थोड़ी है कोई, हमें कोई भी चीज़ अगर लानी हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसको एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एम से डिवाइड कर देते हैं, क्या किया मेरे बेटा हमने यहाँ पे, अगर आप तवज्जो देखिए गौर से देख लो कि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, किससे मेरे बेटा, एम से, एक पोर्शन को एम से किया है और दूसरे पोर्शन को किससे किया मेरे बेटा, एम एंड एन ऑन द टू साइड्स, दो साइड हमारे पास मौजूद थी, उन दोनों साइडों में हमने क्या किया है, एक साइड को एम से और एक साइड को मेरे बेटा क्या किया है हमने, ये पहला वाला पोर्शन था इसको हमने एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और दूसरे वाले पोर्शन को हमने क्या किया है, एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। तवज्जो देखिए, देख लें, अगर नज़र नहीं आ रहा है समझ लो मेरे बेटा, यहाँ एन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मेरे बेटा एन से डिवाइड किया, यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई किया और यहाँ मेरे बेटा एम से मैंने डिवाइड किया। क्यों किया मैंने, इसलिए किया कि फार्मूले के मुताबिक अगर ऊपर एम एक्स है तो नीचे भी हमारे पास एम एक्स होना चाहिए। नाउ देन, अब हम लिमिट अप्लाई करने की पोजीशन में आ गए हैं, अब हम लिमिट अप्लाई करने की पोजीशन में आ गए हैं। तवज्जो देखें मेरे बेटा, अगर आप गौर से यहाँ पर देखें, तो ये जो पोजीशन है पूरा जो मैंने सबिंग से किया है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एम एक्स माइनस वन अपॉन एम एक्स है, ये पूरा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एंड लाइक वाइज ये वाला पोजीशन मेरे पास मौजूद है, कौन सा, c की पावर एन एक्स माइनस वन अपॉन एन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये सारा पोजीशन भी 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी अगर 1 आ जाएगा, m आपका वैसे ही मौजूद था, 1 m से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 n से मल्टीप्लाई होगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, m इंटू n विल बी द आंसर। दो की पॉइंट समझने के हैं आपके पास, दो चीज़ प्लस माइनस में चाहिए आपको, उसको एड्स करा लेंगे
जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेंगे। ये दो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, इसकी मदद से आपके सारे सवाल यहाँ पर सॉल्व होंगे। नाउ लुक एट वन मोर क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा एग्जाम के अंदर पूछे जाता है, काफ़ी अहम सवाल है, तवज्जो से ध्यान से सवाल को कीजिएगा। 3e की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पर मेरे पास जनाब क्या मौजूद है, सवाल देख लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू जीरो 3e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन। अब यहाँ ज़रा तवज्जो दे के मेरे बेटा गौर से ध्यान से देखिएगा, सिनारियो हमारे पास ये बन रहा है कि यहाँ e की पावर x के साथ 3 मौजूद है और हमें चाहिए होता है फार्मूले में। यहाँ देखो मेरे बेटा, अगर आप फार्मूले की बात करते हैं तो हमें फार्मूले में क्या दरकार होता है, माइनस वन चाहिए होता है, e की पावर x के साथ माइनस वन चाहिए होता है। अब यहाँ तो पीछे कोफिशेंट 3 भी है, कोफिशेंट 3 भी है, इसका मतलब है कि 3 कॉमन निकालेंगे तो e की पावर x आएगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो e की पावर x आएगा, यानी कि इसके साथ एक अदद माइनस 3 होना चाहिए ताकि माइनस साइन कॉमन निकालने पर वो e की पावर x के साथ माइनस 1 आ जाए, साथ में माइनस 2 मौजूद है। इस माइनस 2 को हम क्या करते हैं मेरे बेटा, ब्रेक कर लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस 2 को ऊपर जो मेरे बेटा माइनस 2 लिखा हुआ था, तवज्जो देके गौर से देख ले, ऊपर जो मेरे बेटा माइनस 2 लिखा हुआ था, ये माइनस 2 था, इस माइनस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, किसके अंदर, माइनस 2 और प्लस 3 में ब्रेक कर लिया, ये माइनस 2 नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुई है हमसे, थोड़ी सी मिस्टेक हम यहाँ पर हुई है, ये माइनस 2 हमें चाहिए तो ये माइनस 1 प्लस 3 होगा, क्या होगा मेरे बेटा, ये हमारे पास जनाब माइनस 1 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा। थोड़ा सा इसको तस्सी कर देते हैं, दुरुस्त कर देते हैं, सही कर देते हैं, माइनस 2 प्लस नहीं है, ये इनफैक्ट हमारे पास माइनस 3, जैसा कि बताया आपको मैंने, जैसा कि हमने मेरे बेटा आपको मेंशन किया था कि हमारे पास चूंकि e की पावर x के साथ 3 मौजूद है, क्या मेरे बेटा e के साथ x के साथ आपके पास चूंकि 3 मौजूद है, लिहाजा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, देख लें गौर से कि इसके पीछे माइनस 3 होना चाहिए ताकि अब 3 कॉमन निकाले तो माइनस 1 आ जाए। इस 3 को हमने माइनस भी किया है, इस 3 को मेरे बेटा हमने क्या किया है, प्लस भी हमने किया है, क्या क्या, 3 को हमने माइनस भी कर दिया है, 3 को हमने प्लस भी कर दिया है। और यहाँ जब मेरे बेटा हम देखेंगे तो इस वाले पोर्शन के अंदर, कौन सा पोर्शन की बात कर रहे हैं, तवज्जो देखिए गौर से ध्यान से देख लें, आपको अंडरलाइन भी कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपके पास मौजूद है इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। और जो ये वाला पोर्शन मेरे पास मौजूद है, माइनस का 2 प्लस का 3 होगा, दैट विल मेक इट प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 आएगा। और जब माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, क्या करेंगे मेरे बेटा, जब माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, पहले देखो इन दोनों को सॉल्व किया है, आंसर प्लस 1 आएगा, माइनस साइन कॉमन निकाली है, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तवज्जो देके आप गौर से देख ले, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एरो भी बना देता हूँ, इन दोनों को सॉल्व किया है तो इसका आंसर आया है माइनस 1। माइनस 1 इसलिए आया है कि हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी निकाली है, आएगा प्लस 1, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे बेटा हम क्या करते हैं कि एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, पहले वाले के नीचे भी आ जाएगा एक्स और जो पहला वाला पोर्शन था, दो हिस्से है ना बेटा, अगर आप देखें तो हमारे पास दो हिस्से मौजूद है, एक हिस्सा हमारे पास ये वाला है 3e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, और जो दूसरा हिस्सा हमारे पास है वो ये वाला है। हम क्या करते हैं, इन दोनों के एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, दूसरे वाले हिस्से को मेरे बेटा अलग कर देते हैं, पहले वाले हिस्से में 3 भी कोफिशेंट हमारे पास है, ये कोफिशेंट लिमिट के पीछे आ जाता है, जो कोफिशेंट होता है वो कोफिशेंट आपके पास जनाब लिमिट से पीछे आ जाता है, जो कोफिशेंट होता है वो आपके पास लिमिट से जनाब पीछे आ जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, ज़रा और से देखना एक और 420 की है, यहाँ पर ये आपके पास ऊपर चूँकि पावर है माइनस एक्स, ऊपर पावर क्या है मेरे बेटा, ऊपर जो हमारे पास पावर है वो माइनस एक्स है तो नीचे भी होना चाहिए माइनस एक्स। अब मैंने माइनस लगा तो दिया, अभी आया माइनस आया कहाँ से, बेसिकली हमने किया ये है कि अगर आप इस वाली साइन को देखें,
ये जो माइनस साइन थी यहाँ से, ये साइन अगर आप देखो तो यहाँ प्लस हो गई है। हमने क्या किया है मेरे बेटा कि इस माइनस साइन को हमने अंदर क्या किया है, हमने नीचे की जानब मूव करा दिया है, शिफ्ट करा दिया है। प्लस माइनस के हवाले से इस वाली साइन को हमने क्या किया है, एक्स के साथ मूव कर दिया है। लिहाजा यहाँ पर जो साइन हमारे पास थी प्लस आ गई है। फिर तवज्जो से गौर से सुन ले, देख ले, थोड़ा इसको मैग्नीफाई भी कर देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात। यहाँ से थोड़ा सा आपको उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ भाई, सब आपका आगे पीछे हो गया है। यहाँ देखना, ये हमारा माइनस साइन थी, ये हमारे पास जो साइन यहाँ नजर आ रही है ये आपके पास माइनस साइन है, और नीचे एक्स की वैल्यू प्लस पे है क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स है। लिहाजा नीचे भी हमें क्या चाहिए होगा, माइनस एक्स चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा, नीचे भी माइनस एक्स चाहिए होगा। हमने क्या किया है कि इस माइनस साइन को ले गया एक्स के साथ, और यहाँ पर जो साइन प्लस वाली थी वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गई, वो मेरे बेटा आपके पास कन्वर्ट हो गई प्लस के अंदर। जो आपके पास प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब मेरे बेटा गौर से देखें तो यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, तो पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, वन के बराबर हो जाएगी। ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स है, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी मेरे बेटा, वन के बराबर हो जाएगी। यानी इस पोजिशन में हम हैं कि लिमिट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट पे अप्लाई करेंगे जो ग्रीन वाला पोर्शन है, थ्री को छोड़ के, थ्री को छोड़ कर जो ग्रीन वाला हमारे पास पोर्शन है, थोड़ा और देख ले समझ ले, अगर आपको बात समझ में आ जाए कि थ्री को छोड़ कर जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है ये सब किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, ये सारा पोर्शन आपका वन के बराबर हो जाएगा। ये प्लस का निशान यहाँ पर है, और ये अगेन ये पोर्शन आपका वन के बराबर हो जाएगा। थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आएगा, प्लस वन करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपोनेंट के हवाले से। इस सवाल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सवाल कीजिएगा। एग्जाम में बेसिकली तीन चार सवाल आते हैं जिसमें से आपको दो सवाल करने होते हैं। तो एक्सपोनेंट के अगर सवाल आता है, ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया एग्जाम के अंदर, ख्याल रखिएगा एक्सपोनेंट के सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नाउ वी हैव सम मोर क्वेश्चन, कुछ थोड़े से सवाल और करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। बल्कि एक्सपोनेंट के हमारे पास आई थिंक सो एक्सपोनेंट के हमारे पास यही दो सवाल आपके पास मौजूद थे, नॉट एनी मोर क्वेश्चन, कोई और सवाल हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो होगी इंशा ताला, उसमें हम लिमिट्स ऑफ जनाब जो है वो इनफाइनाइट फंक्शन की लिमिट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनफाइनाइट फंक्शन की लिमिट को डिस्कस किया जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शन के अंदर दो ही हमारे पास सवाल थे, ये ओनली जस्ट टू क्वेश्चन, सिर्फ दो हमारे पास सवाल थे, एंड दे आर क्वाइट इनफ टू डू। ये दो सवाल हमारे पास मौजूद थे, कर लीजिएगा, इनमें से एक सवाल एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा या पूछा जा सकता है। तो वी होप कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।